ओके सो मॉड्यूल में आई एम ऑन पेज नंबर 7.17। अपन ने सेक्शन नंबर 15 में पढ़ा है वैल्यूएशन में ऑल सब्सिडीज विल बी एडेड अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, बट वो जो सब्सिडी आपको ऐड करना है वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से लिंक होना चाहिए, ना कि जनरल सब्सिडी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडी इज अ सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ सर्विसेज और द कमोडिटी लो। द सब्सिडी इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर ऑफ द सप्लायर हु रिसीव्स द सब्सिडी। तो अगर आपको सब्सिडी मिल रहा है तो आपको वैल्यू में एड करना है। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आर टू बी एडेड। ब्लैंकेट सब्सिडी और डोनेशन रिसीव्ड आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू। नोट दैट इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज नॉट टू बी एडेड टू द वैल्यू। सो ब्लैंकेट सब्सिडी का मतलब क्या होता है, मेरे को गवर्नमेंट ने बोला कि सर आप जो है ना आपका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे चालू कर रहे हो, तो मैंने बोला सर मैं मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहा हूँ मुंबई में। गवर्नमेंट बोलता है कि सर हम लोग थर्ड मुंबई बना रहे हैं, थर्ड मुंबई आज डेवलप नहीं है बट हम लोग को उसको डेवलप करने का है। तो सर वो लेस डेवलप्ड एरिया है, तो अगर आप उधर जाके मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना तो हम लोग आपको सब्सिडी देंगे। तो ये सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको एक जनरल सब्सिडी मिल रहा है टू स्टार्ट द फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। So, ये जो आपको सब्सिडी मिल रहा है दैट इज सब्सिडी टू स्टार्ट द फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। तो ये ब्लैंकेट सब्सिडी या डोनेशन है जिसका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो वाला जो सब्सिडी है वैल्यू में ऐड नहीं करना है। एग्जाम्पल, द सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज ₹50, नोटबुक इज सोल्ड टू अ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल, अ कंपनी यूजेस CSR फंड टू पे द सेलर ₹30 सो दैट स्टूडेंट कैन पे ओनली ₹20 पर नोटबुक। तो यहाँ पे नोटबुक का प्राइस ₹50 है और मैं उसको 50 में ही बेच रहा हूँ, बट मैं स्टूडेंट से ₹20 ले रहा हूँ और कोई मेरे को इंस्टीट्यूट मेरे को ₹30 सब्सिडी की तरह दे रहा है। तो ये जो सब्सिडी है डायरेक्टली आपके प्राइस से रिलेटेड है, तो वैल्यू में एड होएगा और आपको जो टैक्स भरना है वो टैक्स आपको ऑब्वियसली बात है पूरे ₹50 पे भरना है। इफ द सेम सब्सिडी, अगर यही सब्सिडी मुझे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट देता तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी वैल्यू में एड नहीं होता है, तो आपको टैक्स पूरे वैल्यू पे आता, पूरा वैल्यू मतलब क्या ₹20 पे आता, एक्सट्रीमली सॉरी पूरे 50 पे नहीं आता। सो सिंस ए गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वैल्यू में एड नहीं होएगा, नॉन गवर्नमेंट होता तो वैल्यू में एड होता, बट वही सब्सिडी आपको एड करना है जो प्राइस से रिलेटेड है। अगर ब्लैंकेट सब्सिडी है इन जनरल जिसका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वैल्यू में ऐड होने वाला नहीं है।